नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। थाना रूपझर में तैनात B-123 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा दिनांक 4/2/2023 को उमरिया पंचायत के नक्सल प्रभावित ग्राम उमरिया में 123 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के श्री सुधीर कुमार कमांडेंट के कुशल मार्गदर्शन में सिविल एक्शन कार्यक्रम का आयोजन कंपनी कमांडर श्री मुरारी लाल रेगर सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में कंपनी के उपस्थित सभी अधीनस्थ अधिकारियों एवं जवानों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्राम उमरिया के जरूरतमंद व्यक्तियों को शॉल तथा रेडियो प्रदान किया गया, जिससे सभी में हर्ष का माहौल दिखा। बताइए। मैं हरिश्चंद पंद्रे, ग्राम पंचायत उमरिया सरपंच जनप्रतिनिधि। आज ग्राम पंचायत उमरिया में सियाल वितरण और ऋण वितरण जो हुआ है, इससे हमको बहुत खुशी हुई। जो CRPF बटालियन की ओर से जो सामान वितरण हुआ है, और मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह हमारे पंचायत के जो गरीब मजदूर हैं, गरीब महिला हैं, पुरुष हैं, उनको योजना का लाभ मिलती रहे, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। नाम बताओ, नाम क्या आपका? अरुण कुमार। क्या मिला है आपको पुलिस की तरफ से? साइकिल मिली है। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। साइकिल चला लोगे? पुलिस का सहयोग दोगे? पुलिस CRPF पुलिस का सहयोग दोगे ना? चलो ठीक। जो मिली है CRPF के पुलिस जवान की तरफ से, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्यों दे रही है पुलिस मालूम है? सामग्री वगैरह क्यों दे रही है? आपके पीछे पुलिस क्यों आ रही है? दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। पुलिस के पास वर्दी ही है, हमदर्दी भी है। जी हाँ। है? है। तो पुलिस का सहयोग करोगे? करेंगे। अच्छे काम का सहयोग करोगे? करेंगे। ठीक है। हमारे ग्राम पंचायत उमरिया में 123 बटालियन पुलिस CRPF हमारे जरूरत साल और रेडियो वितरण किया गया। यह मैं सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि ये सभी ऐसा ही हमेशा होना चाहिए। सारा CRPF 123 बटालियन के द्वारा ग्राम पंचायत उमरिया के गरीबों और जरूरतमंद लोगों को सामग्री वितरण की गई है। सामग्री वितरण करने का उद्देश्य क्या है सर? देखिए, CRPF द्वारा जो हमारे कमांडेंट महोदय है श्री सुधीर कुमार सर, उनके कुशल मार्गदर्शन में इस तरह के सिविक एक्शन प्रोग्राम के कार्यक्रम लगातार क्रियान्वित हो रहे हैं। इस एरिया में जितने भी गाँव हैं, उसमें हम हर गाँव में बारी बारी से जाके अपना ये सिविक एक्शन प्रोग्राम कर रहे हैं, और इसके माध्यम से हम यहाँ के ज़रूरतमंद लोगों को रेडियो, साल और ज़रूरतमंद जो दैनिक ज़रूरत का सामान है वो वितरित करें। इसी क्रम में यहाँ भी उमरिया में भी हमने इस प्रोग्राम को आयोजित किया है। इसके तहत जो ज़रूरतमंद हैं यहाँ के लोगों को, जो विकलांग दिव्यांग जो लोग हैं, उनको पहचान करके, उनको चिन्हित करके, उनको ज़रूरत के लिए व्हीलचेयर का वितरण किया जा रहा है। साथ ही स्कूली बच्चों के लिए इनके शारीरिक और मानसिक रूप से इनको विकास हेतु ज़रूरतमंद खेलों के सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है, और साथ ही इनके लिए कंप्यूटर क्लासों का आयोजन किया जाएगा अभी भविष्य में। सेम इसी प्रकार से हमारे जो ये कार्यक्रम है, इनके माध्यम से यहाँ के लोगों में पुलिस के प्रति और CRPF के प्रति जो एक भावना है, और आपस में ये जो एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा करेगा, निश्चित रूप से अभी जो ग्रामीण हम लोगों को इससे पहले बात नहीं करते थे, आज खुलकर बात करने और हमारे ऊपर विश्वास दिखा रहे हैं। साथ ही हमसे आशा भी रखते हैं कि हमारे दोस्त हैं, और इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से जनता में हमारा विश्वास बढ़ रहा है। आपका परिचय? मैं मुरारी लाल, असिस्टेंट कमांडेंट 123 बटालियन। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए सुप्रीम पावर न्यूज।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सुप्रीम पावर न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।